इस क्वेश्चन में देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। 4 ओम ये वाला है, इसमें करंट 1 एम्पियर पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। व्हेन द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल पॉइंट पी एंड क्यू के बीच कनेक्टेड डीसी सोर्स, मतलब ये पी है और ये एम है, तो पी और एम के बीच एक बैटरी लगा देता हूं मैं, तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एम एंड एन। अब एम और एन कहाँ है देखो, तो बेसिकली जो एम है, हाँ इधर देखो, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एम है, ये है, बात बराबर है, और ये पॉइंट एन है, तो इसके बीच अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस एम और एन के बीच निकालूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं तभी निकाल सकता हूँ जब मुझे करंट की वैल्यू पता हो और रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है 1 ओम, तो पोटेंशियल डिफरेंस एम और एन के इक्वल करंट के इक्वल हो जाएगा, इसमें जितनी करंट मिल रही है फ्लो हो रही होगी, ऐसे कुछ। बात समझ में आ गया सबको, लॉजिक मतलब हमारा टारगेट है इस वाले ब्रांच में करंट निकालना और वही पोटेंशियल डिफरेंस आर के इक्वल होगा। तो चलो करंट निकालते हैं, सबसे पहले सर्किट में करंट निकल जाएगा, बिल्कुल एक करंट दिया है तो बाकी सारे निकल जाएंगे। यहाँ से एक करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो अगर इसमें 1 एम्पियर है तो इस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो अगर इसमें I1 है और इसमें I2 है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 × I1 मस्ट बी इक्वल टू 3 × I2, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 4 × I1 3 × I2, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल, और 4 I1 की वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर, दैट इज 3 × I2, एंड I2 इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू 4/3 एम्पियर है और इसमें 1 एम्पियर पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस ब्रांच में नेट करंट, इसमें टोटल नेट करंट कितना हो जाएगा, तो नेट करंट I की जो वैल्यू आ जाएगी वो I1 + I2, तो I1 1 एम्पियर प्लस 4/3, दैट इज 7/3 एम्पियर, दैट इज मेन करंट, ये यहाँ से मुझे मेन करंट मिल जाएगा और इसकी वैल्यू, हाँ तो ये जो मेन करंट I है, यहाँ से इस वाले में जो मेन करंट जा रही थी I, ये हमें मिल गया। अब अगर इसमें मेन करंट I मिल गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस भी मिल जाएगा, P और M के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड M विल बी नेट रेजिस्टेंस R × I, दिस टू आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो 4 × 3 एंड 4 + 3, दैट इज × मेन करेंट I, 7/3। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा बच्चों 12 और 7 इज इक्वल टू 7/3, 7 ने 7 कर दिया, दैट इज 4 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड M। अपर वाले पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया, अपर वाले पार्ट में हर एक में करंट, मेन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें निकाल लिया। और अगर तुम देखोगे तो ये जो लोअर पार्ट है, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट, तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ऊपर में पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वही लोअर वाले के लिए भी आएगा, ठीक है। तो अगर वही लोअर वाले के लिए आएगा तो उसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, हाँ लोअर पार्ट, अब दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट, यहाँ से तो ये दोनों आपस में किस में हैं बोलो, पैरेलल में, तो यही पैरेलल में है, तो 0.5 पैरेलल में है। तो ये जो लोअर पार्ट है सर्किट का, ये 0.5 और ये 1 का इधर लगा है, और ये दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट एम, तो ये पॉइंट एम है, 0.5 है और 0.5 है और ये 1 है, ठीक है। तो 0.5 मान लो इसमें मेन, मान लो इस पूरे में यहाँ से करंट आई डैश जा रही है, तो दिस इज आई डैश, यहाँ से टोटल करंट। अब इनको कंबाइन कर देते हैं, इनको, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, मर्ज दिस टू, तो इनको हम मर्ज कर देंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, दिस सर्किट विल लुक लाइक दिस,
0.025 बिकॉज 0.5 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.25, ठीक है, पैरेलल में है एंड 1, तो फाइनली ये जो सर्किट है वो वहाँ से मुझे मिलेगी, नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा और 1.25, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस। फाइनली जो सर्किट दिखेगी इस सर्किट को, इस लोअर पार्ट वाले सर्किट को और अपर वाले पार्ट का, 4 और 3 जो नेट रेजिस्टेंस आया था, तो 4 और 3 का नेट रेजिस्टेंस 12/7 था, तो ये 12/7 सर्किट, इसको रीड्रॉ कर सकते हैं, हमको कुछ ऐसे सर्किट को हम बना सकते हैं। दिस इज द सर्किट, दिस इज 1.25 ओम और ये आ जाएगा 12, ये बेसिकली आ जाएगा 12/7, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट एम था और यहाँ एक पॉइंट एन था जो इनके बीच, अगर इसमें करंट आई डैश है तो यहाँ से मुझे ये मिल गया। प्यारे बच्चों समझना, इसको समझने की कोशिश करना, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो हम पहले ही निकाल चुके हैं 4 वोल्ट, वही इस पॉइंट के भी ब्रांच में इसमें करंट आई डैश है तो उस वो भी इसके इक्वल ही होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल वी पी एम इक्वल टू 4 वोल्ट इक्वल टू दिस करंट आई डैश और मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो करंट आई डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4/1.25 एंड 4/1.25 दैट इज आई डैश विल बी इक्वल टू 4 और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो ये आ जाएगा 125, तो ये 5 टाइम्स है 4 टाइम्स कट जाएगा, दैट इज 16/5 एम्पियर। तो 16/5 एम्पियर विल बी द करेंट इन दिस ब्रांच, लोअर ब्रांच, 16/5 द लास्ट करेंट इन दिस लोअर ब्रांच, दिस लोअर ब्रांच करेंट इस लोअर ब्रांच में, इसमें जो करेंट की वैल्यू है वो आ जाएगी 16/5 एम्पियर आई डैश। तो अगर इसके ये इसमें इस टोटल में, तो इसमें भी करंट कितना, इसमें भी इस वाले में करंट कितनी होगी 16/5 एम्पियर, तो 16/5 तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज एम एम के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो यह आ जाएगा 16/5 और रेजिस्टेंस 1 है, मतलब 16/5 मतलब 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट इज द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज बी ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट कहता है ए सर्टेन मेटल स्टे स्लोली